YouTube ने दो नई अपडेट्स कर ली हैं, जिसके द्वारा अब चैनल को मोनेटाइज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको YouTube की इन्हीं दो अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। लोग क्या करते थे कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अपनी वीडियो को मल्टीप्लाई वीडियो प्लेयर की कुछ ऐप्स होती हैं उनमें वीडियो को चलाकर अपना वॉच टाइम पूरा करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि अपने चैनल को पैसे देकर मोनेटाइज करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग अपना चैनल जल्दी मोनेटाइज करने के लिए अपने ही चैनल से दूसरी आईडी बनाकर अपनी वीडियोस को बार बार वॉच करते हैं। अभी आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अभी YouTube का जो मोनेटाइजेशन का रूल है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे YT स्टूडियो ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शोइंग डाटा एज, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है एक पॉपअप सा आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब जो है पिछले वीक का जो डाटा शो कर रहा है, ये अपडेट जो है यूट्यूब ने एक नया अपडेट कर लिया है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि YouTube का क्या कहना है। Why could this take a week to update? We carefully validate each channel's engagement metrics before they are displayed here. This process may take several days to complete and may vary from what you see elsewhere, such as YouTube analytics. आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। इसे अपडेट होने में एक सप्ताह का समय क्यों लग सकता है? हम प्रत्येक चैनल को सहभागिता मैट्रिक्स को यहाँ प्रदर्शित करने से पहले सावधानी पूर्वक सत्यापित करते हैं। तो YouTube अब सभी चैनल को और अच्छे से चेक करेंगे, व्यूज कहाँ से मिले हैं, वॉच टाइम कहाँ से आया है और सब्सक्राइबर कहाँ से आए हैं, तो ये सारी चीजें YouTube जो है बहुत अच्छे से चेक करेगा, उसके बाद ही ये अपडेट होगा यहाँ पे। इस प्रक्रिया को होने में कई दिन लग सकते हैं। और जो आप अन्यत्र देखते हैं, जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स से भिन्न हो सकता है, तो मतलब जो YouTube का एनालिटिक्स है वहाँ पे आप लोगों का चेंज हो सकता है, क्योंकि जो रियल में अपडेट होगा वो आपका 1 वीक के बाद अपडेट होगा। चलिए बात करते हैं YouTube के दूसरे अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल AI का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, और कुछ लोग तो AI से वीडियो जनरेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है AI जनरेटर के माध्यम से साउंड भी जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि इस तरह के चैनल जो है मोनेटाइज हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि YouTube ने इसके लिए भी एक नया अपडेट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, When you use music generated by Dream Track in a long form video, your video won't be monetized by ads or subscription YouTube Premium रिवेन्यू शेयर। यहाँ पे YouTube का कहना है कि यदि आप लोग AI Dream Track के द्वारा साउंड जनरेट करते हैं और साउंड को अपनी लॉन्ग वीडियो में यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का वीडियो अभी जो है मोनेटाइज नहीं होगा, और ना ही आप लोगों को कोई भी पैसा मिलेगा YouTube की तरफ से। तो ये YouTube का कहना है, और ना ही इस तरह की वीडियो पे कोई भी एड्स चलेगा, जिससे आप लोगों को कोई भी पैसा अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो है अभी जो AI से जनरेटेड साउंड या सॉन्ग आप लोग जनरेट करते हो, और आप लोगों को वो साउंड अभी अपनी लॉन्ग वीडियो पे यूज नहीं करना है, आप उस साउंड को सिर्फ शॉर्ट वीडियो पे यूज कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे अगर आप लोग यूज करते हो तो वहां पे आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग उस साउंड को AI जनरेटेड साउंड को आप लोग अगर लॉन्ग वीडियो पे अपलोड करते हो, तो वहां पे आप लोगों का जो वीडियो है वो अभी मोनेटाइज नहीं होगा, और ना ही उस पे एड्स चलेगा, और ना ही भी आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। चाहे कोई आप लोगों की वीडियो को प्रीमियम करके देखता है, तो भी आप लोगों को कोई भी अर्निंग नहीं मिलेगी। YouTube के दो न्यू अपडेट थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली YouTube पे काम करना है, तभी आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, अगर आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हो। तो आज के ये दो अपडेट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।